सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी करो। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। इक्वेशन है एच टू प्लस एन टू गिव्स एन एच थ्री। अब इस इक्वेशन को मैं बैलेंस कर रहा हूँ किस मेथड से? यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम जो डायरेक्ट मेथड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लियर कट मेथड। तो देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करते हो, इनको बॉक्स के अंदर पैक कर देते हो, बॉक्स के अंदर आप इसको पैक कर देते हो। अब क्या करना है हमें इसमें, जैसे ये रहा एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, सभी बॉक्स के बाहर क्या लिख देना है, कोफिशियंट्स लिख देना है। क्या लिख देना है? कोफिशियंट्स लिख देना है। तो इस बॉक्स का कोफिशियंट कितना हो गया ए, इसका हो गया बी, इसका हो गया सी। तो देखिएगा हाइड्रोजन टोटल कितना होगा लेफ्ट साइड में, टू इंटू ए, यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करूँ तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, टू ए। इस साइड में हाइड्रोजन कितना होगा टोटल, थ्री सी। ये अब बैलेंस करना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट कौन है मेरे पास में, नाइट्रोजन। तो एन नाइट्रोजन को हम कंपेयर करते हैं, कितना है यहाँ पर, टू बी, कितना है, टू बी। और यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन, एक बार है एक, वन इंटू सी, तो कितना हो जाएगा सी। इस तरीके से ये हो जाएगा टू बी इक्वल टू सी। अब मैं क्या बोलता हूँ, पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, पुट ए इज इक्वल टू वन, हम ए की जगह पर वन पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह जैसे ही वन पुट करोगे तो ये हो जाएगा टू इंटू वन इज इक्वल टू थ्री सी, और यहाँ से सी कितना हो जाएगा, टू अपॉन थ्री। तो सी की वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन थ्री। ओके, अब ये जो सी है ना उसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू सी के प्लेस पर लिख दिया टू अपॉन थ्री, टू एंड टू कैंसिल, बी इज इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन थ्री। तो ये बी की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास में क्या है, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू टू अपॉन थ्री है, और बी की वैल्यू वन अपॉन थ्री है। अब इन ए बी सी की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो इस इक्वेशन को अगेन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एच टू, ए कितना है वन, तो वन का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एच टू में, प्लस बी कितना है वन बाय थ्री, ये लिख दिया वन बाय थ्री, और ये हो जाएगा हमारा एन टू। ठीक है, गिब्स सी के प्लेस पे कितना लिख देंगे, टू अपॉन थ्री, वही हो जाएगा एन एच थ्री। इतनी बात ओके है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो थ्री है ये डिवाइड वाली जो टर्म है उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी इक्वेशन में तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने ये थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट इक्वेशन में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया वन अपॉन थ्री एन टू। ठीक है, गिव्स यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो टू अपॉन थ्री एन एच थ्री। ठीक है, ये थ्री थ्री कैंसिल, थ्री थ्री कैंसिल, कितना बचेगा, थ्री एच टू, ये हो जाएगा थ्री एच टू प्लस ये वन टाइम एन टू गिव्स ये टू टाइम्स एन एच थ्री। इस तरीके से जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये कौन सा मेथड हो जाएगा हमारा, क्लियर कट मेथड। अब हम इस इक्वेशन को क्लियर कट मेथड के थ्रू बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, H2S plus O2 gives H2O plus SO2। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ब्लॉक के अंदर पैक कर देते हैं, सारी टर्म्स को ब्लॉक के अंदर पैक कर देते हैं। ठीक है, अब क्लियर कट मेथड में मैं क्या करता हूँ, जितनी भी टर्म्स होती है उनका कोफिशियंट कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ हो गया ए, देन बी, देन सी, देन डी। इस तरीके से मैंने क्या कर लिए, कोफिशियंट्स कंसिडर कर लिए। ठीक है, अब क्या होगा, देखें लेफ्ट साइड में आपको जो एलिमेंट है, जो भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करना है उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं, वही हमें सेम सेकेंड वाली साइड में करना है। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन कितने हैं, टू, और तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं अगर हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन कितने हैं, टू पूरे इक्वेशन में, तो मैंने लिख दिया टू ए, क्या हो जाएगा, टू ए। अब इस साइड में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, टू सी, यहाँ पर कितना हो जाएगा,
इस इक्वेशन को अब हम क्लियर कट मेथड से बैलेंस करते हैं। H2S plus O2 gives H2O plus SO2, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी टर्म्स को ब्लॉक के अंदर पैक कर देना है। ये हमने ब्लॉक के अंदर पैक कर दिया। उसके बाद हर एक ब्लॉक के साथ हमें को क्या लिखना है, कोफिशियंट लिखना है। आप कोफिशियंट ABCD लिख सकते हो, चार टर्म है तो चार कोफिशियंट आएंगे। आप कैपिटल में लिख सकते हो या फिर स्मॉल में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो मैं स्मॉल में ही लिख रहा हूँ, A, B, C और D। तो ये मेरे पास में चारों टर्म्स के कोफिशियंट्स आ गए। अब देखना, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो टोटल एटम्स हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के और राइट साइड में जो टोटल एटम्स है पर्टिकुलर एलिमेंट के, उनको मैं क्या करूँगा, इक्वेट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट ले लिया कौन सा, हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहा हूँ। तो करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2A। कितने हैं लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, 2A। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2C। ये मैंने लिख दिया 2C। अब बैलेंस करना है ना, तो इक्वल कर दिया, ये 2 2 कैंसिल, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, C। ओके, सेकेंड बात करते हैं, अब मैं सल्फर की बात करता हूँ। किसको कंपेयर कर रहा हूँ, सल्फर को। तो सल्फर कितना है, A टाइम्स। कितना है, A टाइम्स। और यहाँ पर सल्फर कितना है, D टाइम्स, ठीक है? तो A और D कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। ओके, अब तीसरा जो मेरे पास में है वो क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को मैं कंपेयर करता हूँ। जैसे मैं ऑक्सीजन को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर कितना हो गया, 2B। तो लेफ्ट साइड में हो गया 2B, और राइट साइड में कितना है ऑक्सीजन, देखो एक तो ये हो गया 1 टाइम्स C और 2 टाइम्स D। तो यहाँ से आ गया 1 टाइम्स C, यहाँ से आ गया 2 टाइम्स D। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर हो रही है। अब मैं क्या बोलता हूँ, पुट A इज इक्वल टू 1। अगर मैं एक ही जगह पर 1 पुट कर दूँ तो C कितना हो जाएगा, ये 1 पुट करने पर C कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो C की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है? सिमिलरली अगर A की वैल्यू 1 है तो D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। ओके, अब जो D है और जो C है, इनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है, 1। तो कितना हो जाएगा, 2B इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी 3। यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो इस तरीके से मेरे को चार वैल्यू मिल गई हैं। A की वैल्यू मिल गई है, B की वैल्यू मिल गई है, C की मिल गई है और D की मिल गई है। क्या क्या है, A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 3/2, C की वैल्यू है 1 और D की वैल्यू है 1। इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो मेरे पास मेन इक्वेशन है उसमें ABCD की वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। तो रख देते हैं, सबसे पहले क्या है, H2S, फिर क्या है, O2, फिर H2O और उसके बाद में SO2, ठीक है? चलिए तो पुट कर देते हैं, A, A कितना है 1, O2 के साथ में क्या है, B, B कितना है 3/2, ओके, H2 के साथ में C, C कितना है 1, SO2 के साथ में D, D कितना है 1। ये मैंने वैल्यूज पुट कर लिए, ठीक है? अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अपॉन में 2 चल रहा है तो मेरे को अपॉन में से चीज़ें हटानी होती हैं। ये 2 हटाने के लिए 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करिएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 H2S, ठीक है, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 अपॉन वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये, फिर यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये। अब ये बॉक्सेस को हटा लेते हैं, ये 2 से 2 काट के कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। इस तरीके से मैं इसको चेक कर सकता हूँ, तो पूरी इक्वेशन कैसी होगी मेरी, बैलेंस होगी।